यूक्रेन और रूस के बीच छिड़े युद्ध में यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे भारतीय छात्रों को अपनी सुरक्षा की चिंता सता रही है। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं यूक्रेन में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। ऐसे में यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्र सरकार से किसी भी तरह रेस्क्यू करने की गुहार लगा रहे हैं। तो वहीं यूक्रेन में फंसे छात्रों के परिजन अब दिल्ली में यूक्रेन एम्बेसी के बाहर जमा होने लगे हैं। मेरा भाई यूक्रेन में फंसा हुआ है, वो MBBS करने के लिए पिछले ईयर ही नवंबर में गया था, तो दो दिन से उससे बात नहीं हो रही थी। मैं कल भी आई थी यहाँ पे, कल रात को 2 बजे उसका फोन आया, लाइट नहीं है, बिजली नहीं है। वहाँ के गवर्नमेंट ने बोला कि जो जहाँ पे है वहीं पे रहे, तो वो काफी डरा हुआ है, फंसा हुआ है, बस वो चाहता है कि कब यहाँ से हमें निकाला जाए। तो हमने उसको थोड़ा सजेशन दिया कि घबराए मत, हम उसके साथ है। तो ATM भी वहाँ का काम नहीं कर रहा है कि वो कुछ खरीद के रखे, बाकी जैसे थोड़ा बहुत नमकीन बिस्किट होता है वो खरीद के रखा। उसके साथ और भी बच्चे फंसे हुए जो कि बहुत घबराहट में है, क्योंकि निकल गवर्नमेंट ने मना किया कि उनको निकलना ही नहीं है। बता दें कि ना सिर्फ दिल्ली के पेरेंट्स बल्कि यूक्रेन में फंसे स्टूडेंट के माता पिता देश के अलग अलग राज्यों से वसंत विहार में यूक्रेन एम्बेसी के बाहर अपने बच्चों की वापसी के लिए जमा हो रहे हैं। लेकिन पेरेंट्स का कहना है कि यहां से भी उन्हें कोई मदद नहीं मिल पा रही है। हमारे बच्चे यूक्रेन में बेहद मुश्किल हालात में फंसे हुए हैं, खाने पीने को राशन नहीं है, एक जगह पर 25 से 30 छात्र इकट्ठा हैं, उनकी वापसी का कोई साधन नहीं मिल रहा है। मेरा भांजा फंसा हुआ है इवानों के अंदर। अच्छा, तो कब से वो वहाँ पर थे? वो तो 2 साल से वहीं पे था, लेकिन फिलहाल मैं उससे काफी दिनों से कह भी रहा था कि तुम वापस आ जाओ, लेकिन उनका कॉलेज कह रहा था कि अगर तुम यहाँ एक भी क्लास मिस करी तो हम तुम्हें डिसमिस कर देंगे। अच्छा, तो अभी जिस तरीके से यहाँ पर आप पहुंचे तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा? यहाँ कोई रिस्पॉन्स नहीं है, कोई नंबर कोई नहीं उठा रहा, ना ही अंदर घुसने दिया जा रहा है हमें। कोई बात तो करे हमसे, अथॉरिटी क्या, किस चीज की अथॉरिटी फ्री है, क्यों खोल रखा है सब, कौन बताएगा हमें क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं हमारे अपनों को निकालने के लिए, क्या नहीं, कौन बताएगा? सिर्फ आप लोगों को न्यूज के माध्यम से पता चल पाया बस। और न्यूज भी क्या है कि न्यूज में बस वही है कि हाँ ये हो रहा है, ये हो रहा है, इवैक्यूएट कैसे कर रहे हैं, क्या स्टेप लिए जा रहे हैं, वो हम पता ही नहीं है। आपके भांजे के साथ वहाँ और कितने लोग हैं? कुछ बहुत हैं, इनफैक्ट भांजे खुद 30-35 दोस्त वो लोग ही हैं, बस छुपे बैठे हुए हैं एक जगह पे, राशन नहीं है, खाने को कुछ नहीं है, अपना कैसे करे, बाहर कैसे निकले। तो वहीं एक परिजन ने यूक्रेन में युद्ध छिड़ने के बाद के हालात बयां करते हुए बताया कि उनका बच्चा मेट्रो स्टेशन के बेसमेंट में कई लोगों के साथ छिपा हुआ है। लास्ट कल रात में मैसेज आया था, वो बेसमेंट में था, मेट्रो स्टेशन के बेसमेंट में था, तो मैं मैसेज आया था कि हाँ हम लोग अभी फंसे हुए हैं यहाँ पर। किस शहर में है वो? खार्किव में है। खार्किव में। बता दें कि जो हालात अभी यूक्रेन के बने हैं, ऐसी स्थिति में भारत सरकार अपने लोगों को वापस लाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। अभी भी हजारों की संख्या में भारतीय छात्र वहां फंसे हुए हैं, इनमें ज्यादातर मेडिकल के छात्र हैं। ऐसे में सरकार को भी तुरंत कुछ ऐसे कदम उठाने होंगे जिसके चलते इन परिजनों के बच्चे वापस अपने देश आ सके। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।